হাজার হাজার পুণ্যার্থী কিন্তু এবছর গঙ্গাসাগর স্টেশন প্রত্যেক বছরই আসেন, এবং ভিড় যত বাড়ে তত কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটা প্রশ্ন সজাগ থাকে আমাদের মধ্যে। তো এই বছরেও কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বেশ কড়াকড়ি করা হয়েছে সরকারের তরফ থেকে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী তাদের 70 জনের টিম এখানে উপস্থিত রয়েছে, এবং শুধু এখানে নয়, সাগর তটে নয়, পুরো গঙ্গাসাগর মেলার যে এরিয়াটা, মানে সেটা লট 8 বাস নম্বর থেকে শুরু করে কচুবেরিয়া হয়ে এবং সাগরতট সব মিলিয়ে 70 জনের টিম এখানে রয়েছে। কিন্তু ইউনিক বিষয় যেটা, সেটা হচ্ছে এইবারের গঙ্গাসাগর মেলায় কিন্তু 11 জন মহিলা NDRF কর্মীকে পাঠানো হয়েছে রেস্কিউ অপারেশন টিম হিসেবে প্রপার ট্রেনিং দিয়ে। তো এই যে রেস্কিউ অপারেশন ট্রেনিং দিয়ে তাদের পাঠানো হয়েছে, তাদের কাজটা হচ্ছে কি, তাদের কাজ হচ্ছে যে যদি কোনো অঘটন বা দুর্ঘটনা ঘটে যায় সাগরে, তাহলে কিন্তু তারা পারে যে যাত্রীদের উদ্ধার করে আনতে। এবং প্রচুর জন স্নান করতে নামছেন এবং জোয়ারের সময় জল অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে, তো দুর্ঘটনার কথা কিন্তু মাথায় একটা ঘুরতেই থাকে এবং হতেও থাকে, যার জন্যই এই রেস্কিউ অপারেশন টিম এখানে নিয়ে আসা। এবং এইবারে 11 জন মহিলা যে আধিকারিক আছে তাদেরকে এই টিমে অ্যাড করেছেন সরকার। हम यहाँ पे रेस्क्यू करने आए, अगर ऐसे कुछ हो जाता है, अगर गलती से कोई डूब जाता है तो उसको हम बचा सकते हैं, हम बचाने के लिए। और आपके टीम में कौन कितना महिला है? हमारी टीम में अभी यहाँ पे 11 महिला है, बाकी और भी हमारे हेडक्वार्टर में। और आपका काम जो है वो रेस्क्यू करना, वो रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा जो बताइए डिटेल में, कैसे वो जो डूब जाता है क्या करते हैं आप? हमें बताया गया है वो 3-4 मेथड होती है, उसकी सहायता उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे रेस्क्यू करते हैं। और ये जो महिला का डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर पिछले साल से बहुत बढ़ गया है, तो आपको क्या लगता है जो आगे आने वाले साल में इस गंगासागर मेला में महिला का जो डिप्लॉयमेंट है वो क्या बढ़ेगा, और ये क्या जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं आती हैं, तो उनके लिए महिलाएं होना बहुत जरूरी है, और हम लोगों को भी बराबर ट्रेनिंग दी जाती है, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से रेस्क्यू कर सकते हैं। ये जो गंगासागर का मेला जो आयोजन किया है सरकार ने, और आप लोगों को जो दायित्व दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को ठीक से देखभाल करने का, और कोई जो दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए आपको जो ऑपरेशन है वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, जो थोड़ा डिटेल्स में जरा बताएं जी। हर साल की बात ही, इस बार भी NDRF की टीम यहाँ पे डिप्लॉय की गई है। हम लोग 2 बटालियन NDRF कोलकाता की टीम है, हमारी 5 टीमें टोटल यहाँ पे डिप्लॉय हुई है गंगा सागर मेला में, जिसमें एक टीम सागर में है, एक टीम कचुबेरिया में है, एक लॉटेट में है, एक नामखाना में है और एक वेनवन में है। तो यहाँ पे हमारी अभी 6 बोटे बोट ऑपरेट कर रही है, इसमें से 4 बोट अभी फिलहाल ग्राउंड में है, और जो भी स्थिति बनती है उसको हम संभालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ पे प्रशासन के द्वारा भी काफ़ी हिदायतें जारी की गई हैं, उस दिशा में हम लोग मिलकर काम करते हैं। कितने लोग हैं आपकी टीम में? और वो जो मैं इस बार आके देख रही हूँ कि महिला जो अधिकारी है वो बढ़ गया है पहले से, तो ये क्यों? जी यहाँ पे लगभग 200 रेस्क्यूअर यहाँ पे डिप्लॉय हैं इस मेले में, उसमें से तकरीबन 75 के आसपास यहाँ पे सागर में है, और 12 महिलाएं हमारे साथ में है। जैसा कि आपको पता है कि महिला का इंडक्शन हमारे NDRF में बढ़ाया गया है, और ये अब ट्रेंड रेस्क्यूअर हो गई हैं और ये रिमोटली ऑपरेट कर सकती हैं, तो इस बार भी हमारे बटालियन से इनको दायित्व दिया गया है यहाँ पे ड्यूटी करने का। गंगासागर मेला थे कि श्रेया।